हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज से हम हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए भी हुए हैं और कुछ मेरी तरफ से भी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हिंदी के अंतर्गत आपके 15 क्वेश्चन व्याकरण के आते हैं, 15 हिंदी शिक्षण के आते हैं। तो हम कभी कभी हिंदी शिक्षण के भी क्वेश्चन करेंगे और हिंदी व्याकरण के भी करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम होने तक आकलन होता रहेगा। जिस तरीके से हमने सामाजिक अध्ययन की प्रैक्टिस की थी, आप लोगों की मजबूत हो गई होगी और ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन वन है, आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न कर रहे हैं। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो कोयला जो है वह संज्ञा का कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा? तो आप लोगों को पता है संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर कोयला जो है वह संज्ञा शब्द का कौन सा भेद होगा? तो बिल्कुल डिटेल में तो आप लोग बिल्कुल पढ़ ही चुके हैं, यहाँ आप केवल क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। तो चलिए, यहाँ पर जो आंसर रहेगा कि कोयला जो है वो ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना ही समूहवाचक संज्ञा और भाव भी नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन टू है, महात्म्य शब्द है, क्रिया है, विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए, क्रिया जो है वो कार्य के करने का बोध कराता है, विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, और व्यक्तिवाचक क्या है, संज्ञा है, और भाववाचक भी संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? महात्म्य जो है वह शब्द है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि यह ना तो क्रिया है और विशेषण का पता हम लगा सकते हैं, यदि जैसे कोई लड़का है तो उसके आगे आप, उस लड़का क्या है, संज्ञा, तो उसके आगे यदि उसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, ठीक है, तो विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के पहले लगता है। तो यहाँ आंसर रहेगा भाववाचक। क्वेश्चन थ्री है, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन या लड़की। तो फटाफट से इसका आंसर सोचिए कि लड़का शब्द में यदि प्रत्यय जुड़ता है तो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो यहां पर आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लड़कपन। ठीक है, यहाँ पर लड़का में पन प्रत्यय जुड़ने पर लड़कपन बनता है और लड़ाई जो है वो क्रिया के जुड़ने पर बन रहा है, लड़कापन कुछ नहीं होता है, और लड़की जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है लड़का का। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, लोहा, घड़ी, तेल या दूध? तो यहां पर देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आंसर रहेगा घड़ी, क्योंकि दूध, तेल और लोहा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्न में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अब ये क्वेश्चन जो है वो सर्वनाम से संबंधित है, तुम, आप, वह या मैं। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये आते हैं। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के बारे में पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है वो क्या सही रहेगा, यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं, हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष के उदाहरण है, तुम और आप ये क्या है, ये मध्यम पुरुष के उदाहरण है, और वह, यह, वे, ये सभी अन्य पुरुष के उदाहरण है। कोई, किसी, कुछ सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक? तो इनमें से कोई, किसी या कुछ, ये कौन सा प्रकार है सर्वनाम का, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक है?
तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो इसी तरीके से करते रहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो भी कराती रहूंगी। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा कि कोई किसी कुछ, तो यहाँ किसी चीज का निश्चय नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और प्रश्नवाचक यहाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं है, और ना ही निजवाचक, यहाँ अपनत्व यानी अपना मेरा स्वयं ऐसे शब्द भी नहीं है, तो यह है ऑप्शन बी। संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन, कुछ, जैसा वैसा या यह। तो यहां पर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो कौन सा रहेगा, कौन जो है वह कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है क्या, नहीं, यह भी नहीं है, कुछ, यह भी नहीं है, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह और यह भी नहीं, यह यानी कि किसी की तरफ इशारा करके कह रहा है, तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन जैसा तैसा, जिसे उसे, ठीक है, जो सो, ये सभी क्या है, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन 8 है, आज देश की किसी को चिंता नहीं है, वाक्य में किसी को सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो ये किसी शब्द है, यह कौन सा सर्वनाम का प्रकार होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर किसी भी पर्सन को डिनोट नहीं किया गया है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ इशारा करके नहीं कहा गया है कि हाँ तुम हो, या यह लड़का, या वह बैठा वो लड़का, इस तरीके के प्रश्न नहीं है, यानी ये निश्चयवाचक नहीं है। और यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक नहीं है, और यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम भी नहीं है। विशेषण के भेदों का सही समूह है, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या भाववाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक, और डी है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के प्रकार जो है वह भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो विशेषण के भेदों का सही समूह कौन सा है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के, क्रिया के भेद, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये सभी विशेषण के भेद हैं। यदि आप देखते ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, बी में देखते अगर आप भाववाचक संज्ञा है, सी में देखते व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये तो संज्ञा के भेद हैं, तो डी जो है वो सही होगा। अगला है दानवीर कर्ण का सभी स्मरण करते हैं, वाक्य का दानवीर शब्द कौन सा विशेषण है, परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर कर्ण के आगे जो दानवीर लगा हुआ है ये विशेषण का उदाहरण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, संज्ञा के आगे यह लग रहा है और यह बता रहा है कर्ण की विशेषता, यानी उसके गुणों की विशेषता बता रहा है, तो यह है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर कोई परिमाण जो है, ये परिणाम नहीं है, परिमाण जो है उसका उल्लेख नहीं है, ना ही किसी संख्या का, संख्या की विशेषता है और संख्या विशेषता के रूप में है, और ना ही यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता जो है वह बताई गई है, ठीक है। तो कर्ण क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले क्या लग रहा है, कर्ण के गुणों की विशेषता, दानवीर। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो काल से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वह कल दिल्ली जा रहा है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कोंध उठी, कल वे आने वाले हैं। तो यहां पर वर्तमान काल कौन सा है, फटाफट से सोचिए। देखिए एक भी क्वेश्चन जो है वह इस तरीके का नहीं है कि आप लोग के एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो बदल बदल के आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको इन सब की प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा।
तो यहां पर वर्तमान काल जो है कौन सा है कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो ये क्या है, वर्तमान काल है। वह कल दिल्ली जा रहा है, तो वो कल जाएगा, अभी तो नहीं जा रहा है। यहाँ पर रहा शब्द देखकर आप लोग वर्तमान काल मत लगाइएगा। वह कल दिल्ली जा रहा है, या कल जो है वो कल की बात कर रहा है। अचानक बिजली कौंध उठी, ठीक है, तो उठ गई है, ठीक है। कल वे आने वाले हैं, तो अभी आए नहीं है, कल आने वाले हैं, तो यहाँ पर वर्तमान काल क्या है, वी। नेक्स्ट है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, कारक, धातु, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का जो मूल रूप है क्या कहते हैं उसे? तो देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्वेश्चन 13 है, मोर नाचता है वाक्य में क्रिया है, सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक या अपूर्ण। तो यहाँ पर मोर नाचता है इस वाक्य में क्रिया है, शाम को आपका राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है वो आएगी, ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और इसके अलावा ज्योग्राफी जो है वो आपको अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप लोग तैयारी करिएगा 8th चैप्टर के बाकी क्वेश्चन चैप्टर्स का। तो यहाँ पर देखिए, मोर नाश्ता है वाक्य में क्रिया जो है वो क्या है? क्रिया जो है वह है अकर्मक है, ठीक है। मोर नाश्ता है, ये कैसी है? अकर्मक क्रिया है। तो देखिए, यहां पर एक चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। तो देखिए, जब कभी क्या क्या प्रश्न जो है वह नहीं आए तो वह क्रिया अकर्मक होती है, और क्या का प्रश्न का उत्तर यदि आए तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोर नाश्ता है, तो मोर क्या नाश्ता है, यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, यानी ये अकर्मक क्रिया है। और जैसे राम सेब खाता है, तो राम क्या खाता है, उत्तर आता है सेब खाता है, तो वह क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी, नारियां, नारियों या नारियां। तो इसमें से सही उत्तर जो है वो सोचिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, तो फटाफट से नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वचन जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। मैंने हर तरीके का प्रश्न जो है यहाँ पर लिया है, ताकि आपकी हर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर देखिए, नारी शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नारियां, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से नित्य एकवचन शब्द कौन सा नहीं है? भीड़, पुलिस, वर्षा या कपड़ा। नित्य का मतलब हमेशा, हमेशा जो एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? तो यहां पर देखिए, आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि कपड़ा का बन सकता है बहुवचन कपड़े, लेकिन वर्षा का वर्षाओं, या पुलिस का पुलिसों, या फिर भीड़ का भीड़े, ऐसा नहीं बनता है। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त तो होते हैं। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए, यहाँ पर जो है ना, व के आगे जो है वो छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है, थोड़ा सा गलत है। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियित्री, कवियत्री, कविनी या कवयित्री। तो पहले तो यहां कवि जो है वो आप सही करना, कवि होता है छोटी ई की मात्रा वा के आगे। तो यहां पर कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप जो है वो होगा राइट उत्तर, देखिए, कवयित्री, ठीक है। तो यहां पर कवि का कवियत्री, ये बी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी होगा कवियत्री। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है?
अब ये लिंग से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, पानी, दूध, तेल या ठंडाई, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, लिंग या वचन ये सब प्रयुक्त आप शब्द वाक्य में यदि करते हैं तो आपको इनका आंसर मिल जाता है। तो सबसे पहले वाक्यों में प्रयोग करके इनको देखिए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो है वो होगा ठंडाई, ठीक है? तो ठंडाई जो है वो है अच्छी है, स्त्रीलिंग होगा। तेल जो है रखा है, ये कैसा होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। दूध रखा है, पानी रखा है, ठीक है? तो ये आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आपको इनका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, वो देखिए, निम्न में से सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कछुआ, भैंस, चूहा या मुर्गा? तो देखिए, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं और कुछ जो हैं वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इनमें से हमेशा ही पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो इनको वाक्य में प्रयोग करके देखें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कछुआ, ठीक है? कछुआ का कछुई नहीं बनता, भैंस का भैंसा बनता है, चूहा का चूहिया बनता है, मुर्गा का मुर्गी बनता है, लेकिन कछुआ का कछुई नहीं बनता है। तो ये हमेशा ही पुल्लिंग होता है। वह नदी में तैरने लगा, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो ये वाक्य से संबंधित है। वाक्य आपके तीन प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो वह नदी में तैरने लगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा कि ये बिल्कुल ही सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया है, ठीक है? तो इसे पहचाना जा सकता है कि एक ही क्रिया है तो वो हमेशा सरल वाक्य होगा। यदि क्रियाएं दो हैं तो दो वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य कहलाता है, और मिश्र वाक्य जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, ठीक है? क्वेश्चन 20 है, आशा है कि मुझे पुरस्कार पुरस्कार मिलेगा, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या उपरोक्त सभी? तो देखिए, उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, यहाँ पर एक वाक्य का प्रकार तो है ही है। आशा है कि किसे समझिए कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कितनी क्रियाएं हैं, ठीक है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है? यहाँ पर दो क्रिया नहीं है तो संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है, की शब्द आया है, ठीक है? तो यहाँ पर मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो आज आपने 20 में से कितने क्वेश्चन किए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के बदले यहाँ आप 40 क्वेश्चन कर लेते हैं इन सभी ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है? तो ये समझिए आप 40 क्वेश्चन किए हैं आज। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित, और हिंदी व्याकरण के बाद हिंदी शिक्षण के क्वेश्चन जो है वो भी मैं लेकर आने वाली हूँ। उसके बाद सामाजिक अध्ययन का हम दोबारा से करेंगे। इसी तरीके से हम हर चीज को देखते हुए चलेंगे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सके, ठीक है? शाम को आपका चैप्टर 6 का, राजस्थान के इतिहास का पार्ट 1 जो है वो आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।